नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड सेफ। तो आज हम जा रहे हैं अबू धाबी। थोड़ा बहुत पासपोर्ट का काम था तो इसके लिए हम अबू धाबी जा रहे हैं। और बहुत सारे जो मेरे इंडियन व्यूअर्स है उसके लिए मैं कह दूँ कि हम यूएई में रहते हैं। यूएई मींस के यूनाइटेड अरब अमीरत, उसमें 7 अमीरत्स है। हमारे इंडिया में जैसे स्टेट होते हैं इस तरह के, यहाँ पर 7 अमीरत्स है। वहाँ उसमें से हम अबू धाबी अमीरत्स में रहते हैं। यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। और दुबई कितना है? दुबई 350 किलोमीटर दूर है। 6-7 महीने पहले हम अबू धाबी गए थे, वो भी हम सुबह गए थे और शाम को वापस आ गए थे। सुबह हम 6 बजे निकले थे तो अराउंड 9 बजे तक हम अबू धाबी पहुंच जाएंगे। और यहाँ दूर दूर तक कोई गांव नहीं आता, कोई सिटी नहीं आती, बस ऐसा ही डेजर्ट दिखने को मिलता है। इसीलिए ज़्यादातर ट्रैवलिंग में हम बोर हो जाते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद शॉप आ गई और हमने कुछ वेफर्स वगैरह ले ली। यहाँ पर 50 या 100 किलोमीटर के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर खाली हमें बस डेजर्ट ही दिख रहा है। थोड़े बहुत वो डेट्स के ट्री है वो दिख रहे हैं। तो पहले हम पासपोर्ट का काम निपटाएंगे, फिर आज हम होटल में रुकने वाले हैं। आप पिलो नत बताओ आसु पेर से प्रति थे नेकलेस छे एयरबैंड छे भाग्य शु करे। साड़ी पहनस जैसे मैंने आपको बताया कि 50 या 100 किलोमीटर के बाद ही गांव या सिटी आता है। तो उसके बीच में ये पेट्रोल पंप आते हैं तो हम वहाँ पर थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। वहाँ पर रेस्टोरेंट या छोटी सी सुपरमार्केट वगैरह होती है तो वहाँ से स्नैक्स वगैरह लेके हम थोड़ी देर वहाँ पर रुक सकते हैं। वहाँ है I love chocolate. Taste it.
Waffle is my best. પછી રોટી શાક ખાવાના ને? હા. કેવું જ ખાવાનું? After 400 meters, go straight ahead and then enter the highway E11 E11 M05 M04. Johnny? Yes, Papa. Eating waffles? No, Papa. Open your mouth? ये विकटे का टाइम था, फिर भी इतनी गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही है और गर्मी भी बहुत थी। तो हम सुबह 6 बजे निकले थे तो 9:45 तक हम होटल में पहुँच गए थे। चलो व्रती अबू धाबी आ गए जो तो मुझसे फंसे जो मेरे इंडियन व्यूवर्स है वो, और ख़ास करके जो मेरे रिलेटिव्स है वो बोलते रहते हैं कि हमें कुछ सिटी का व्यू दिखाओ, कोई पास में हो अबू धाबी या दुबई का टूर करवाओ। तो मैं आज कोशिश करूँगी कि मैं आपको बाहर से सब कुछ दिखा पाऊँ। मुझे यहाँ की एक ख़ास बातें लगती है कि यहाँ ये रण है, डेजर्ट एरिया है, फिर भी आप देख सकते हो कितनी ग्रीनरी है। जहाँ हम रहते हैं यानी कि रुवेज में भी इतनी ग्रीनरी है कि क्या बताऊँ। और हम पहले से ही एक ग्रीनरी में रहे हैं तो हमें ये सब ग्रीनरी अच्छी लगती है। अबू धाबी पहुंच गए हैं, 8:45 हुए हैं अभी और वीकडे का टाइम चल रहा है तो भी यहाँ पर बहुत ही रश है। तो वीकेंड में तो पता नहीं कितना होगा। पहले हम यहाँ पर हमारी होटल है वहाँ पर गाड़ी को रख देंगे, फिर हम टैक्सी में पासपोर्ट ऑफिस
जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से 5 मिनट्स to 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो हम यहाँ से टैक्सी से चले जाएंगे। थक गयो? क्यों थकी? पराती कम? पासपोर्ट ऑफिस का गूगल्स में से सर्च किया था तो हमें उसका लोकेशन 2-3 जगह पर बता रहा था। तो हम पहले गए थे ओलरिम आइलैंड, वहाँ पे मॉल में बता रहा था कि वहाँ BLSO की ऑफिस है, पर जब हम वहाँ गए तब उसने बताया कि यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई है वो ऑफिस। तो हमने फिर BLS वेबसाइट पर सर्च किया तो जो साम्स ब्यूटी मॉल है उसके अंदर अभी एम फ्लोर पर 32 नंबर की जो शॉप है वहाँ पर BLS ऑफिस थी। और आप जब भी जाओ तो पहले कंफर्म करके जाओ कि आप BLS वेबसाइट पर से सर्च करके जाओ उसका एड्रेस, क्योंकि धूप भी इतनी थी और लगता तो पास में है पर धूप इतनी थी कि हमें टैक्सी करके ही जाना पड़ा, क्योंकि वो सामने से ही दिखाई दे रहा था पर इतनी गर्मी थी कि फिर हमारा जो BLS ऑफिस पहुँचे और जो हमारा जो टर्न था वो भी हमारा 2 घंटे के बाद हमारा नंबर लगा था। तो हम उस मॉल में थोड़ी देर हमने उसमें बात ही पड़ी जाए के लिए उसमें टाइम पास किया, और BLS ऑफिस में बैठने की भी वहाँ पर जगह नहीं थी। तो हम वो मॉल भी इतना सुंदर था और इतना शांत था कि वहाँ हम 1-2 घंटे तक घूमते रहे और फिर हमने वहाँ ही लंच कर लिया। जब हमारी बारी आई थी तभी हम अंदर गए थे, और मैं अभी ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ और अभी दोनों के पासपोर्ट भी रेडी होके घर पे आ गए हैं। इस मॉल में एक सुपर मार्केट थी, बड़ी सी एक सुपर मार्केट थी, वहाँ सब कुछ मिल रहा था। और वहाँ जो नेचुरल फ्लावर्स रखे हुए थे उसकी जो स्मेल है वो पूरे ही वो मार्केट्स में आ रही थी। आप देख सकते हो कितने सुंदर प्लांट्स है, फिर इस साइड आपको फ्लावर्स भी दिख जाएंगे, और उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी क्या बताऊँ। तो इस तरह से हमने जो हमारा 2 आवर्स का जो वेटिंग था वो हमने इस तरह से एंजॉय किया, और बच्चे भी बोर नहीं हुए। यहाँ सेल्फ चेकआउट नहीं होता। और हमारा एक बड़ा सा और इम्पोर्टेंट काम अब ख़त्म हो गया, और हमने दोनों के ही पासपोर्ट साथ में ही करवा लिए थे। और अबू धाबी जो हम पहली नाइट रुके थे वो होटल का नाम सेंट्रल विले था, और वो पर नाइट हमें 300 दिरहम में मिला था। और जो हम मेरे इंडिया के व्यूवर्स थे उसे बता दूँ कि यहाँ पर दिरहम चलता है, 1 दिरहम इक्वल टू 20 रुपीज़ होते हैं। तो हमें होटल 300 दिरहम में पड़ी थी,
और अच्छी थी, मैं उसका टूर करवाना भूल गई वरना आपको दिखा देती। हम पासपोर्ट ऑफिस से 1 बजे आ गए थे। थोड़ी देर 2-3 घंटे आराम करके हम अब हम जाएंगे, कोई भी पास में मॉल होगा या कोई शॉप होगी उसमें हम देखते हैं कहाँ जाते हैं। हमें भी अभी पता नहीं कहाँ जाएंगे। और प्रातिव और भाग्य इतने थक गए थे कि सो गए, फिर कितने बहुत बार हमने उठाया तो भी उठ नहीं रहे थे, तो हमने थोड़ी और देर तक उसे सोने दिया। और फिर हम 5 बजे हम सिटी में निकले थे, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ी सी इंडियन शॉप है जिसका नाम आदिल है। वो वहाँ पर सब हमारी जो पूजा वगैरह की चीज़ें हैं वो मिल जाती है, और मुझे खास करके राखी और एक मिट्टी का तवा जो मैंने आपको बताया था जो इसमें हम भाकरी और बाजरे की रोटी बनाते हैं वो लेना था, तो हम वहाँ पर गए थे। और मुझे थोड़ी सी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें लेनी थी, तो हम 1-10 दिरहम की यहाँ पर शॉप थोड़ी बहुत है तो हम वहाँ भी गए थे, क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी चीज़ें मिल जाती है। वरना यहाँ पर रुएस में ज़्यादातर जो क्राफ्ट की चीज़ें है वो मिलती नहीं है, इसीलिए बस हम 2-3 शॉप में गए और फिर शाम को खाना खा के फिर वापस आ गए थे। यहाँ से मैंने थोड़ी बहुत प्लास्टिक की चीज़ें ली और थोड़े क्राफ्ट की थोड़ी सी वस्तु ली मैंने यहाँ से। यहाँ पर मैंने अच्छे अच्छे जो चाय के कप्स और मग्स आते हैं वो भी इतने अच्छी पैटर्न में थे कि हम अपने आप को रोक ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो कॉफ़ी पीते नहीं, हम चाय ही पीते हैं, तो भी मैंने वहाँ से कॉफ़ी के मग्स 2-3 ले लिए। तो इस तरह से हमारा अबू धाबी में पहला दिन पूरा हो गया, और मैंने ट्राई की है कि आपको अच्छे से सब कुछ दिखा पाऊँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।